हाय वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दोस्तों एक्सपर्ट प्लम्बर वर्ल्ड और मैं हूं आपका एक्सपर्ट प्लम्बर। तो दोस्तों आज हम करेंगे इस बजाज की बिल्डिंग में, तो देखते हैं आज हम जो काम करेंगे वो है वॉश बेसन इंस्टॉलेशन, काउंटर टॉप वॉश बेसन। चलिए आइए चलते। आज आ गए हम बजाज की बिल्डिंग में, आज हम करेंगे टेरेस पर काम। कहीं ना कहीं जाना पड़ता है काम करने के लिए, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जिंदगी यही है काम काम काम, तो करना ही तो पड़ेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोलूं मैं बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, गजब बेइज्जती है। आएगा हमारा एड्रेस, ये देखिए इसका डोर इधर से खुलेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ये 1 2 3 आ जाइए। तो ये है हमारी आज की साइट। चलिए ये है टेरेस। मंजिल तो राहें घूम जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, मोटर का पानी गिरा, मोटर बंद करो बोलो। तो ये देखिए हमारा आज का साइट। ये है हमें कमोडेक बिठाना है और हमें यहाँ पर बिठाना है, ये है बाथरूम, ये ऑफिस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो ये है वॉश बेसन हमारा रेडी है आज यहाँ पर, ये वॉश बेसन को हम आज बिठाएंगे। आप सोचोगे कि ये क्या डोर ओपन है यहाँ पर, बाद में कर्टेंस आ जाएंगे, टेंशन ना लो। अच्छा तो दोस्तों ये है वेस्ट कपलिंग का होल जिसके अंदर वेस्ट कपलिंग बैठेगी, और वो है आपका नल का होल, इसके अंदर नल बैठेगा ऐसे और नीचे से टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो होल हो गए हैं। चलिए हम लेते हैं पहले वॉश बेसन। वॉश बेसन लेके हम यहाँ पर रखेंगे वही जो होल है, होल को मैच करना होगा हमें। ये रख लिया आपने, फिर हमें ये वेस्ट कपलिंग को बिठाना है। उससे पहले हमें लेना होगा वाइट सीमेंट। बस कर रहे हैं तुम, अदा करके ही लेना, फिर नीचे रहो, फिर चलो चलो करो। तो दोस्तों अब हम ये जो वाइट सीमेंट मिला लिया है इसे, वाइट सीमेंट ये है, देखिए वाइट सीमेंट कहाँ है, ऐसा आना सा यूं आना, फिर यूं आना, भी पीछे आना, पीछे मेरे को लेना था मकान, तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। तो दोस्तों अब ये हमने व्हाइट सीमेंट इसे लेना है और इसको लगाना है। ये है व्हाइट सीमेंट, बिरला व्हाइट सीमेंट, ये जेके में भी आती है। तो व्हाइट सीमेंट हमें पहले इसे मिक्स करके पेस्ट की तरह लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा लगाए, ज़्यादा मत लगाए। मंजिल तो राहें ढूंढ लेती है, रस्ते मगर खो जाते हैं, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। एंजॉय कर लेते करना आरो, काम काम को एंजॉयमेंट में ले लेना, मजा ना काम करे तो, जबरदस्ती काम नहीं करना, सही है ना बस भाई? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो हमने ये वेस्ट कपलिंग को व्हाइट सीमेंट लगा लिया, ये हमें अब यहाँ से फिक्स कर देना है। उसके बाद नीचे से वाइट सीमेंट को नीचे ऐसा लगा ले, ये है इसका रबर वॉशर, ये रबर वॉशर लगा ले। फिर उसके बाद ये है इसका नट, इसे लगा ले, अच्छे से टाइट कर ले ऐसा, और जो मजा आ रहा अच्छे से फिक्स कर ले। एक्सपर्ट प्लम्बर काम भी एक्सपर्ट होगा, पूरी अच्छी तरीके से इसको। अच्छा हमको सिखा रहा है काम, अपन कभी भी करे ना वो ऐसा करना कि अपने घर का काम कर रहे ऐसा करना, वो सा भी काम कर रहे तो इसके भी पास आप जाओ मेरे दोस्तों, जितने भी प्लम्बर लोग हैं
आप कभी भी दिल से काम करिए, अपना घर का काम समझ के करिए, तो नेक्स्ट टाइम वो काम में भी प्रॉब्लम नहीं आती, आपके कस्टमर्स भी आपसे सेटिस्फाई होते, खुश होते, फिर नेक्स्ट टाइम आपको बुलाते, कुछ भी छोटा रहने दो काम या बड़ा काम रहने दो, और दूसरों को भी बोलते, दूसरों को भी वो रेकमेंड करते हैं आपके बारे में कि ये प्लम्बर को बुलाओ, ये बहुत काम अच्छा करता है, इसका नेचर अच्छा है, काम बढ़िया सा करता है बोलिए। तो आप एट द मोमेंट का जब का मत सोचिए, आप फ्यूचर का सोचिए। बस एक बार कर लूँगा ख़त्म बोल के एक बार का मत सोचिए, आप हमेशा का सोचिए। कोई भी आपको एक बार बुलाए समझो काम करने, तो उन्हें हमेशा आपको ही बुला। तो ये आपकी अब वेस्ट कपलिंग, इधर आना ना मेरे भाई, यहाँ आना, तो वेस्ट कपलिंग चलो। कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो दोस्तों अभी देखिए आपकी ये वेस्ट कपलिंग टाइट हो गया, ये आपका बेसन फिक्स होता है, यही वेस्ट कपलिंग। देखिए अब मैं जितना हिला रहा हूँ इसको हिलता ही नहीं ये वाज बेसन अभी। तो अब हम बिठाएंगे इसका नल पिलर कॉक, ठीक है। तो कुछ भी नहीं रहता है, ये आपका ये नल है, ये इसका नट वॉशर है, हमने आपको पहले ही यहाँ पे होल बताया था। होल बताओ जी मेरे भाई, होल बताओ मेरे भाई, मैंने ये देखिए ये होल है, ये होल में आपका भगवान ये नल बैठ गया। अब इसका ये डायरेक्शन देख ले आप, डायरेक्शन देख के सेंटर में था पानी गिरे था, फिर नीचे से आए, ये पहले वाशर लगा ले, ये नट को टाइट कर ले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बॉक्स वाला ये नट टाइट करने के लिए ऊपर पकड़, ऊपर बता इसलिए ऊपर बता ऐसी पर ऊपर यहाँ बता। चलिए ये देखिए आपका नल टाइट हो गया, अब ये वेस्ट पाइप पहले लगा लेंगे हम। ये टाइट हो गया, ये अब ये है इसका आउटलेट का पाइप, इसके अंदर आपको ऐसे छोड़ देना है बस। इसी कनेक्शन पहले इसे ऊपर लगा ले, फिर एंगल का अपना लगा ले, इसके बाद ये एंगल को ऐसे फिट कर दे। तुम्हारे ने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तीनों लड़कियों ने बाबरी कर करने लगा। अब उसके बाद हमें एंगल को ऑन करें, ये पानी आपका चालू हो गया। चलिए देखते हैं, ये आ गया आपका पानी। तो ये हो गया आपका वॉश बेसन, काउंटर टॉप वॉश बेसन इंस्टॉलेशन एकदम सिंपल तरीके में। चलो तो दोस्तों आज आपने देखा हमारी इस वीडियो में काउंटर टॉप वॉश बेसन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.